जीडीएस बीपीएम के अंदर जनरल कैटेगरी देखने को मिलेगी और इनका सिलेक्शन यहां पे रोहित नाम के लड़के का सिलेक्शन 79.8% पे भी हुआ है, यानी कि 80% से भी कम यहां पे जिसका है उसका भी सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा यहां पे फोकस करिएगा, एक मैं दिखाना चाहूँगा एचडी कैटेगरी के अंदर यहां पे सिलेक्शन राहुल का 72.33 पे हुआ है, यानी कि 72% वालों का भी यहां पे सिलेक्शन हुआ है। ये मैटर किस चीज़ पे करता है ये मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग यहां पे अपनी मेरिट चेक करिए। अगर आपको इस मेरिट को चेकआउट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले और स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे कितने कितने में सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है 79.8 में हुआ है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 80.6 में हुआ है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 81% पे हुआ है और जनरल कैटेगरी के ही कैंडिडेट का 73% भी हुआ है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं एसटी कैटेगरी का 74 है, जनरल का 82 है, लेकिन यहाँ पे जनरल का आपको 73% भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप इस पूरी नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 70% से भी कम लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। बिकॉज मैं इसका रीज़न आपको बताऊँगा किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो आप इसको अच्छे से चेकआउट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एस टी कैटेगरी के कैंडिडेट का 63.8% पे भी हुआ है, यानी कि कुल 63% पे सिलेक्शन हुए हैं। और दोस्तों आप लोग यहां पे देख पाएंगे हमारे सामने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और साथ में यहां पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर एक लाइन चल रही है, ये वाला जो न्यू का सेक्शन है इसके अंदर अभी भी अप्लाई स्टार्ट है, लेकिन इसके बाद आप लोग फोकस करिएगा, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा न्यू का और इसके अंदर आपको दिखाएगा कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। अभी वो सेक्शन आने ही वाला है, इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे देखिए असम एंड उत्तराखंड सर्कल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना होगा। तो आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में चलिए बता देते हैं, और पहले सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव डिविजनल हेड इन कनेक्शन विथ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट सर्कल फॉर असम सर्कल। यहां पे देखिए आपको 30/6/2022 की अपडेट देखने को मिलेगी, द लिस्ट कैंडिडेट शुड बी देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द मेंशन डिविजनल हेड बिफोर 30/6/2022। इट मीन्स कि आपको 30 जून तक कैसे भी करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है। यहां पे देखिए जब रिजल्ट आ रहा है तो क्या क्या बताया जा रहा है, सीरियल नंबर दिया जा रहा है, डिवीजन दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है, कैंडिडेट का नाम, जेंडर दिया जा रहा है, कम्युनिटी दी जा रही है और डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड ये भी यहाँ पे दिया जा रहा। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे लोगों के नाम मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 23 पेजों का लिस्ट जो है तो पीडीएफ जारी किया गया है असम के लिए। यहाँ पे और भी जगहों का रिजल्ट आ चुका है जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इट मीन्स कि आप लोग क्लियर हो जाइए कि आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, किसी भी दिन किसी भी समय आपके स्टेट राज्य का रिजल्ट आ सकता है। उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आऊँगा कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे सर्कल का रिजल्ट डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दूसरे सर्कल का रिजल्ट भी डाउनलोड हो चुका है, इसके अंदर आपको उत्तराखंड सर्कल देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे डिवीजन बताया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, जेंडर, कम्युनिटी बताया गया, डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है जिसके बेस पे मैं आपको कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेकिन अगर आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियोज में कवर किया अगर उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर आपका 60+ है तो आप लोग जो है तो उम्मीद रख सकते हैं। अगर आपने ऐसी जगह से फिल किया जहां कंपटीशन लो है तो आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपने हाई कंपटीशन वाले एरिया से अप्लाई कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी आप लोग इसको डाउनलोड करें और इसको आराम से देखें। दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं जो मैं यहां पे दिखाऊंगा वो आपको अंदर मैं मेरिट लिस्ट पे भी दिखाने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से कैटेगरीज और उनका परसेंटेज नोट करिएगा। यहां पे देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ मार्क्स 2022 के लिए, यहां से नीचे आएंगे कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा और जीडीएस का कट ऑफ मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा और एवब करके है, यानी कि ये नॉर्मल रहेगा और इससे ऊपर कितना भी जा सकता है प्लस के अंदर। तो जनरल और यू आर कैटेगरी जो है यहाँ पे
75% प्लस ही होने वाला है। इसका प्रूफ भी आपको दूंगा कि यहाँ पे 73 वालों का भी जनरल कैटेगरी के अंदर चयन हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें ओबीसी का 70% होने वाला है। इसके बाद एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिसका 65% या उससे ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि 63% तक वालों का यहाँ पे चयन हुआ है। एसटी वालों का बात करें 65 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 प्लस रहेगा और पीडब्ल्यूडी सबसे आखिरी कैटेगरी इसका 60% प्लस होने वाला है। यानी कि यूट्यूब में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे बताया जा रहा है कि 40, 45, 50 वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उनका सबका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल झूठ है। सही क्या है ये आपको आगे पता चल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि 75% जनरल का है और उसके बाद ओबीसी का आपको देखने को मिल जाएगा लगभग यहाँ पे 70 तक का। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है, बाकी की जानकारी आपको मेरिट लिस्ट के द्वारा दे देते हैं। स्टेप टू डाउनलोड GDS मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं